हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि हम एसेट के पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे इसके 1 to 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा ईयर जो चल रहा है वो 2021 चल रहा है। इससे पहले हमने 2022-23 है वो एक्सप्लेन किए हैं। तो आप चाहो तो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वो भी देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारा ईयर है वो फिलहाल जो चल रहा है ना, वो चल रहा है 2021-22-23 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके भी 1 to 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन 31 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ जिनोन इज स्क्वायर पिरामिडल। इनमें से कौन सा जो कॉम्प्लेक्स होगा ना, वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, वो टीजीटी में भी आ जाता है, पीजीटी में भी आ जाता है। तो ये जो शेप हो गई ना और ये जो स्ट्रक्चर हो गई वो आपको आनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखो मैं बताती हूँ। मैं हर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, अलग से भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है कि कैसे आप स्टीरिक नंबर की हेल्प से जो हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास इसका हम स्टीरिक नंबर का फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम पे, प्लस में मोनोवेलेंट एटम जितने भी होंगे यहाँ पे साथ में, अगर वहां पे कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम जोड़ देंगे, और अगर वहां पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम घटा देंगे। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, किसी भी उसमें हमारे पास कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, हमारे पास है यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम तो है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इनका सबका नहीं दिखाऊंगी मैं, आपको इसका दिखाऊंगी जो ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले वाले जो पेपर है ना उनमें ये वाली चीज अच्छे से एक्सप्लेन की है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 1/2, तो यहाँ पे क्या है, एक्जी है, एक्जी जिनोन है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर आपको ना देखना है ना तो यहाँ से आप देखो कि ये किसके ग्रुप में आता है, हीलियम, इसके ग्रुप में आता है हमारे पास, यहाँ पे आता है हमारे पास जीनोन। तो यहाँ पे जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे। तो नियोन का एटॉमिक नंबर लगभग सबको पता होता है, तो 2 और 8, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। प्लस में ऑक्सीजन हमारे पास, इसकी वैलेंसी 2 होती है तो डाइवेलेंट एटम है। फ्लोरिन हमारे पास मोनोवेलेंट एटम है तो प्लस में 4 हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कोई है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 12, यहाँ पे क्या आया, 6। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, sp3d2। तो ये वाली थी हाइब्रिडाइजेशन की बात। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होने के लिए 6 लिगेंड होने चाहिए, लेकिन हमारे पास ये 5 लिगेंड है। तो यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी ना, तो ऑक्टाहेड्रल होने के लिए यहाँ पे ये ऐसे हमारे पास इसकी ज्योमेट्री बनेगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर, ये वाली तो स्क्वायर और ये कैसे है, पिरामिड के जैसे है, तो स्क्वायर पिरामिडल है वो, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 32 में हमसे क्या पूछा गया है, फ्रेंडलीच आइसोथर्म इज एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन। जो फ्रेंड लीच होता है ना, आइसोथर्म होता है, वो कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो वो कैसे होता है, x/m kp^1/n। तो यहाँ पे देखो, पी प्रेशर होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, और यहाँ पे जो n की वैल्यू रहेगी ना हमारी वो हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होगी, और 1/n की वैल्यू हमेशा ही 0 और 1 के बीच में होगी, कि 0 से तो बड़ी होगी, 1/n की वैल्यू को देखेंगे तो 1 से छोटी होगी, लेकिन n की वैल्यू को देखेंगे तो वो हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होएगी, ठीक है। रिएक्शन टू ऑब्टेन बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यून बाय क्रोमाइल क्लोराइड, ये वाली रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। कभी तो इसको ऐसे देके पूछ लेते, कभी हमें ये लिख के देते हैं कि यहाँ पे हमें टोल्यून लेना, मींस बेंजीन पे CH3, प्लस में यहाँ पे क्या लेना, क्रोमाइल क्लोराइड मींस CrO2Cl2, और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो बहुत फेमस रिएक्शन है, तो ये ऐसे आपने इसको करना था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 33 है वो, उसका ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 34 में हमसे क्या पूछा गया है, द थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस ट्रांस 2-4 हेक्साडाइईन गिव्स। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि हम जब थर्मल साइक्लाइजेशन करते हैं किसका, ट्रांस ट्रांस 2-4-hexadiene, तो यहाँ पे 2 और 4 पे हमें डाइईन मिलेगी। हेक्स मींस नंबर ऑफ कार्बन, 6 है, तो ये वाला है ना आपका बीएससी एमएससी लेवल का क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाएंगे, हेक्साडाइईन मींस यहाँ पे हेक्साडाइईन रहेगा, ऐसे ये बनता है, और ये हमें ट्रांस ट्रांस लेना है, तो एक हमने ऊपर किया, यहाँ पे ले दिया, एक यहाँ पे लिख दिया, तो 1 1 2
3, 4, 5, 6, 2 और 4 पे हमारे पास ये हो गया, तो ये हमारा बन गया 2, 4 हेक्साडाईन। और थर्मल करना है तो इट मीन्स क्या, ये इसकी फॉर्म, इसकी प्रेजेंस में करना है, हीट की प्रेजेंस में करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, देखो जब भी हमारे पास ट्रांस ट्रांस हो या सिस सिस हो, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, दोनों ही कैसे काउंट होते हैं, सिस के जैसे काउंट होते हैं, ठीक है। और ये सिस के जैसे काउंट होते हैं, और यहाँ पे देखो हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा, तो यहाँ पे ये वाली चीज, यहाँ पे ये वाली चीज, यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा ये। लेकिन ये वाली चीज तो ठीक है, साइक्लोब्यूटीन तो हमें पता चल गया कि ये बनेगा हमारे पास, लेकिन हमें इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है कि ये आपस में सिस रहेंगे या आपस में ट्रांस रहेंगे। तो यहाँ से हमने देख लिया कि पहले ये क्या है, दोनों आपस में जब दोनों ट्रांस ट्रांस होते हैं और जब हमें साइक्लाइजेशन करवाना होता है तो ये सिस के जैसे एक्ट करते हैं। और जब भी हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स यहाँ पे 2 और 2 4 है, n की वैल्यू 1 रखा और हीट की परसेंस में होता है, तो वहां पे क्या होता है, कोन रोटेशन होती है। और जब भी कोन रोटेशन होती है तो वहां पे चेंज होता है, मींस सिस है तो वो ट्रांस हो जाता है, ट्रांस है तो वो सिस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोन रोटेशन है और यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है थर्मल की परसेंस में, अदरवाइज यहाँ पे HV होता ना, तो फिर यहाँ पे डिस रोटेशन होता है, वहां पे चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हमने यही देखना है कि हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो थर्मल की परसेंस में है तो कौन रोटेशन देगा, कौन देगा, तो वहां पे स्टीरियो चेंज होगी, स्टीरियो चेंज होगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहले सिस आ रहा था, दोनों ट्रांस थे तो मिलके, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ट्रांस बन जाएगा। तो एक अगर अबव द प्लेन है तो एक बिलो द प्लेन होगा, ऐसे आपने इसको करना था। और यहाँ पे पास हमारे पास एल्कीन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांस 3, 4 साइक्लोब्यूटीन। तो यहाँ से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ये वाली चीज ट्रांस है, और 3 और 4 पे हमारे पास क्या है, डाइमिथाइल है और साइक्लोब्यूटीन है, तो ऑप्शन 1 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 35, C6H5CH2OH की रिएक्शन हमने की HBr के साथ, तो यहाँ से क्या होगा, OH चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5CH2Br। उसके बाद ये यहाँ पे KCN दिया है, तो यहाँ से KBr तो निकल जाएगा और ये जो CN है इसके साथ लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें हाइड्रोलाइसिस दिया गया है, तो हाइड्रोलाइसिस अगर यहाँ पे पार्शियल लिखा होता तो यहाँ पे हमें एमाइड मिलता, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है, पार्शियल मेंशन नहीं है। तो जब तक पार्शियल नहीं मेंशन होगा तो हम उसको कंप्लीट लेके चलेंगे, तो ये वाली चीज जो हमारा साइनाइड है वो किसमें बदल जाएगा, एसिड में बदल जाएगा, और ये कैसे हो जाएगा, CH2 और C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिनोइल है और दो फिनाइल है, और दो कार्बन के लिए क्या यूज होता है, इथ, तो ये क्या बन जाएगा, फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 36, वहन 3-नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड रिएक्ट विद SnCl2 एंड HCl, देन द प्रोडक्ट इज, कि हमारे पास क्या है कि बेंजाल्डिहाइड है और 3 पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका काम क्या होता है कि ये NO2 ग्रुप को किसमें बदल देता है, NH2 ग्रुप में बदल देता है। तो यहाँ से हमारे पास ये NH2 हो गया और ये हो गया हमारे पास वापस से बेंजाल्डिहाइड। तो इसकी अगर हम नेमिंग देंगे तो यहाँ पे क्या, 1, 2, 3, 4 पे लगा दिया हमने, ये 4 पे नहीं लगाना, 3 पे लगाना। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप निकल के आएगा वो भी किस पे आएगा, 3 पे ही निकल के आएगा, तो 3-एमिनो बेंजाल्डिहाइड। तो ऑप्शन 3 है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ऐसे आपने इसको करना था। यहाँ पे 3 पोजिशन पे लगाना था, हमने 4 पे लगा दिया था, तो 1, 2, 3 ऐसे हमने ये करना था। उसके बाद हम चलते क्वेश्चन 37 पे। क्वेश्चन 37 में हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन इज दिस, कि इस जो ये रिएक्शन हमें गिवन है इसके लिए जो एवरेज रेट है ना, ये वाली वैल्यू गिवन है, तो हमें बताना रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो वहां से जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा ना NO2 का वो क्या रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीट हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स से है, तो आपको पहले रेट लिखना आना चाहिए। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का लिख के दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जो भी कोफिशियंट होते हैं उनको ऐसे करना होता है। तो उसके बाद N2O5 चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये लगा लो, ठीक है। उसके बाद जब हम इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में हम माइनस साइन लेते हैं, क्योंकि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है। तो इसके साथ हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज डी ऑफ NO2 और DT, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी कोफिशियंट नहीं है तो डी ऑफ O2
4 dt, ये वाली चीज यहाँ पे किसके इक्वल है, ये वाला जो रेट है वो किसके इक्वल गिवन है, 6.79 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -4। अब इनका हमें कोई काम नहीं है, हमें काम है NO2 का, तो इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इन दोनों को इक्वालिटी पे रखते हैं, तो 1/4 dNO2 dt 6.79 10 की पावर -4। हमें क्या बताना है, प्रोडक्शन बताना है ना NO2 का, तो 4 को उधर लेके जाएंगे तो 6.79 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई में 4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो हमारे पास ऑप्शन 2 है, हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 है वो सही होगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अगर करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पे देखो 49 जा 36, उसके बाद 11 1, और यहाँ पे आएगा ये है 10 की पावर -4। तो यहाँ पे इस वाली को इधर लेके आने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 10 यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.71 और 10 की पावर -3, तो हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, ऐसे आपने करना था। उसके बाद क्वेश्चन 38, एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज मीथेग्लोबिनेमिया, इनमें से कौन सा जो आयन होगा जिसकी एक्सेस की वजह से वहां पे हमारे पास मीथेग्लोबिनेमिया डिजीज है वो ज्यादा है, तो वो होता है NO3-। ऑप्शन 3 है हमारे पास, नाइट्रेट आयन है वो सही हो जाएगा। ये तो याद करने वाली चीज थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 39, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN, यहाँ पे हमें दिया गया है डाइबल एच। अगर आपको पता है कि डाइबल एच का काम क्या होता है, तो आप इजीली निकाल पाओगे। डाइबल एच का काम होता है साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलना, तो यहाँ पे बाकी किसी चीज को कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास साइनाइड है ना, तो एल्डिहाइड बन जाएगा उसका, तो यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे बना, तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, ऐसे आपने ये करना था। उसके बाद क्वेश्चन 40, 2C6H5NO2 इन परसेंस ऑफ जिंक NaOH, एक्स दिया है हमें, तो एक्स बताना है हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो है ना, यहाँ पे हमारे पास जिंक और NaOH की प्रेजेंस में जब हम ये वाले रिएक्शन करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डाई एजा फिनाइल बेंजीन मिलेगा। कैसे, देखो यहाँ पे C6H5 है, C6H5NO2 है, और यहाँ पे भी क्या है, C6H5NO2 है, NO2 है। तो यहाँ से जब हम इनके रिएक्शन करवाएंगे जिंक और NaOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिंपल यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से फिर से C6H5 और यहाँ पे HH, तो इसका जो हमारे पास ये वाला जो है ना NO2, इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ऐसे आपने करना था। ऑप्शन 3 आपका वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 41, द एलिमेंट जेड इज इक्वल टू 120 वुड बी प्लेस्ड इन विच ऑफ फैमिली ऑफ पीरियडिक टेबल। तो ये वाला क्वेश्चन भी टीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी आता है। तो अगर एलिमेंट का जो जेड है, एटॉमिक नंबर है 120 है, तो उसको आप कौन सी पीरियडिक टेबल में रखोगे, तो यहाँ पे देखो हम कैसे करेंगे इसको। हमें पता है कि 1 1 18 होता है ना, वो 18 ग्रुप में होता है। उसके बाद अगर हमने फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन ऐड और किया, तो वो फर्स्ट ग्रुप में चला जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन किया तो वो सेकंड ग्रुप में चला जाएगा। तो सेकंड ग्रुप में हम, फर्स्ट ग्रुप हमारे पास होता है एल्कली मेटल्स का, सेकंड होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल का। तो अगर हमारे पास 120 एटोमिक नंबर हुआ, तो वो सेकेंड ग्रुप में चला जाएगा, वो किसका होता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल का। तो ऑप्शन 3 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 42, विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लार्ज साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैटायन, की कैटायन ट्रांजिशन मेटल्स का जो साइज है वो लार्ज होता नहीं। शोज सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ कि वो है ना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज्यादा दिखाते हैं, इसीलिए वो मैक्सिमम टाइप ऑफ जो कॉम्प्लेक्स है वो बना सकते हैं। तो क्वेश्चन 42 का ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम व्हाट इज मिक्स्ड विद प्योरिफाइड Al2O3 टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। हमें हमारे पास जो मेटलर्जी होती है एल्यूमिनियम की, तो वहाँ पे हमें प्योरिफाइड Al2O3 के साथ क्या मिक्स किया जाए कि उसका जो हमारे पास उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाए। तो वो क्या होता है, Na3AlF6। ये वाला अब की बार भी आया था, अब की बार इसका जो 2023 में एग्जाम हुआ था ना, तो तब भी आया था ये, तब इसका नाम पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीजीटी में।
ये वाला क्वेश्चन भी बेंजोइन कंडेंसेशन है, बहुत बार पूछा गया है। द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइडाइन, कि जब भी आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का कंडेंसेशन करना है कि वहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। कैसे? ये हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन है, ये वाली चीज है, बहुत बार रिपीट होती है। तो यहाँ पे देखो हमने लिया ये एल्डिहाइड, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हमने एक और हमारे पास है वो एल्डिहाइड लिया, तो यहाँ पे इसका कंडेंशन होके क्या हो जाता है, अल्फ यहाँ पे ये हो जाता क्या है हमारे पास, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अल्फा पे हाइड्रोक्सी और कीटोन हमें ये मिलता है, तो ऐसे आप लोगों को करना था। ऑप्शन टू है हमारे पास, बेंजोइन कंडेंसेशन है, वो सही हो जाएगा। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, प्रेडिक्ट द एंट्रोपी ऑफ फॉलोइंग चेंज, हमें इनमें से एंट्रोपी चेंज बताना है। तो यहाँ पे H2 गैसियस से 2H गैसियस मिला, तो यहाँ से 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ से हमें 2 मॉलिक्यूल मिले हैं, तो यहाँ पे क्या करना है हमारे पास, यहाँ पे H2 गैस का 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे क्या है हमारी जो एंट्रोपी, क्या होता है, जितने ज्यादा गैसेस प्रोडक्ट होंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, तो हमारी जो यहाँ पे एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी। तो हमारा ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, ऐसे आपने इसको करना था। तो यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।